नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया निरीक्षण। छात्राओं ने डिप्टी सीएम के आगमन पर ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। प्रतापगढ़ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिले के मानधाता विकास खंड के टिकरी मोड़ के पास स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया निरीक्षण। भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह नवीन, भाजपा नेता राजकुमार मौर्या ने डिप्टी सीएम को माला पहनाकर किया स्वागत। डिप्टी सीएम ने छात्राओं को पुस्तक और प्रतीक चिन्ह के साथ किया सम्मानित। बताते चले कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 9 छात्रों का चयन सैनिक विद्यालय में हुआ है। उनके उज्जवल भविष्य की डिप्टी सीएम ने किया प्रार्थना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण और डिप्टी सीएम की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। जिलाधिकारी नितिन बंसल, सीडीओ ईशा प्रिया, एसडीएम सदर, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र नाथ पांडेय, रानीगंज पूर्व विधायक धीरज ओझा, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, भाजपा नेता शिव प्रकाश सेनानी, विश्वनाथगंज विधायक जीत लाल पटेल, सीएमओ जीएम शुक्ला सहित भाजपा नेता के साथ जिले के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद। प्रतापगढ़ जिला ब्यूरो, अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।